दोस्तों स्टेशन आते ही एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम ये हुआ है दोस्तों, देखिए फाइनली ट्रेन आ गई है और ये देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है और सभा इमोशनल हो गई है। अरे सर माता बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल काजमी के जैसा है। और ये सिवरन, सिवरन से मिलाना था, हम भूल ही गए। हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी देखिए रात का 11 बज रहा है और इतना रात को मैं क्यों ब्लॉग बना रहा हूँ, तो ब्लॉग इतना रात को इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि कल सुबह हम सभा के मंझले मामा के घर जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम शादी के बाद फर्स्ट टाइम जा रहा है ना। सभा तो कई बार गई है लेकिन हम पहली बार जा रहे हैं, तो वहाँ जाने का एक बहुत बड़ा कारण भी है। एक तो पहली बार जा रहे हैं, दूसरा एक और कारण है जो मैं आपको अभी नहीं वहाँ पहुँच कर बताऊँगा, ठीक है? तो ब्लॉग के साथ बने रहें। फाजिल देखिए हम लोग के कारण, हम लोग के वजह से ये अभी तक जागा हुआ ना, तो ये 8-9 बजे सो जाता है। तो ये देखिए सारा पैकिंग सभा कर ली है, कपड़े का बाजार लगा हुआ है। ये देखिए हो गया है सभा, हो गया पैक, अभी 11 ही बजा है। आप ही लेट करवाएं। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे उसके बाद सो जाएंगे। सुबह 5 बजे हम लोग का ट्रेन है और हम अम्मी सभा फाजिल पापा सब जा रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए फाजिल को अभी रात 11 बजे ही हम लोग को तैयार करना पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि सुबह हम लोग उठेंगे तो इसका नींद ना ख़राब हो, इसके लिए हम लोग इसको अभी से ही तैयार करके सुला देंगे। और सभा बहुत मेहनत कर रही है, बहुत एक्साइटेड है अपने मामा के यहाँ जाने को और वहाँ अपने भाई से भी मिलेगी। हैं मिलोगी ना? इसका एक भाई है वो आया हुआ है, वो काफ़ी दिन के बाद अपने घर आए हैं। देखिए अम्मी आ गई हैं हम लोग का पैकिंग देखने के लिए कि कहाँ तक पैकिंग अभी तक हुआ है। अरे भाई आ गई है। इसको पैकिंग इसलिए कर दे रहा है अभी। पैकिंग कर उठाना है, लेके जाना है। आपका हो गया सब? हाँ मेरा हो गया सब, कर दे, खाली खाना है, सो जाना है 2 घंटे। हाँ तो अभी फाजिल सो गया है और हम लोग अब रात का खाना खा रहे हैं, तो जल्दी से खा के हम लोग सो जाएंगे। और ट्रेन जो हम लोग का है वो पैसेंजर ट्रेन है, बहुत ही परेशानी होने वाली है हम लोग को सफ़र करने में। कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन हम लोग के स्टेशन से नहीं जा रहा था, इसलिए हम लोग को पैसेंजर ट्रेन में जाना पड़ रहा है। तो अभी रात का 12:30 बज गया है, हम सब खाना खा लिए हैं, फाजिल सो गया ये देखिए। तो चलिए 2-3 घंटा हम लोग सोएंगे, फिर हमें उठ जाना है 3 बजे, ठीक है? ताकि जल्दी जल्दी तैयार होकर हम स्टेशन निकल सके। सब अभी भी पैकिंग कर रही है। हुआ आज हो जाएगा। तो चलिए हम सो लेते हैं, हमको नींद आ रहा है। 3 hours later। तो दोस्तों अभी रात का 3 बज गया है और हम और सब उठ गए हैं तैयार होने के लिए। फाजिल अभी सोया हुआ है, फाजिल को तो हमने रात में ही तैयार कर दिया था। तो चलिए फटाफट हम लोग तैयार हो जाते हैं क्योंकि 1 घंटे में हम लोग यहाँ से स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। तो फाइनली हम तैयार हो गए हैं। ये देखिए मफलर वगैरह ले लिया है क्योंकि अभी देखिए सुबह का 4 बज रहा है और अभी ठंड बहुत ज़्यादा है। फाजिल अभी सोया हुआ है और सभा भी तैयार हो गई है। ये देखिए सभा इधर है। इसको जल्दी जल्दी उठा, इसे मुझे ही उठाना पड़ा है, ठीक है? सोई भी थी। हाँ और तो मिलना चाहिए, सवेरे सवेरे उठा दिया। और हम लोग के साथ मंझले भाई मंझले भाभी भी जा रहे हैं, जिस स्टेशन में हम लोग को जाना है उसी स्टेशन से आगे उन्हें भी जाना है उनके परिवार के पास, ठीक है? फाजिल अभी नींद में ही है। फाजिल नींद पूरा नहीं हुआ हम लोग के कारण इसको भी नींद खराब हो जाता है। फाजिल फाजिल कहाँ जा रहा है? ये देखिए आयरा और रियान भी तैयार हो गई हैं, देखिए अम्मी भी तैयार हो गए हैं, पापा भी। जल्दी 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 एमा, 5 बजे ट्रेन खुल जाएगा। दोस्तों देखिए कितना हमारा मोहल्ला सन्नाटा है, ये देखिए पूरा सन्नाटा है। तो दोस्तों टोटो वाले को बोला हुआ था लेकिन टोटो वाला धोखा हम लोग को दे दिया है और फ़ोन उसका स्विच ऑफ बता रहा है, तो अब हमें दूसरा टोटो को ही ढूंढना होगा। ये देखिए पूरा रोड सन्नाटा है, अभी सुबह का 4:15 हो रहा है, यहाँ पर कोई भी टोटो या ऑटो नज़र नहीं आ रहा कि हम स्टेशन जा सके। देखते हैं आगे चल के कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। किस्मत अच्छा था ऑटो में तो मिल गया है, तो चलिए ऑटो पे बैठ जाते हैं।
दोस्तों स्टेशन आते ही एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि अम्मी का पर्स घर पे ही छूट गया है। अम्मी सामान तो ले ली लेकिन पर्स अपना छोड़ दी। तो खैर पापा गए हैं लाने के लिए और टाइम बहुत ही हम लोगों के पास कम है। 5 बजे ट्रेन खुल जाएगी, ठीक है, और अभी सिर्फ 20 मिनट बाकी है, पापा गए हैं। तो चलिए पहले पूछते हैं कि ट्रेन कितना बजे खुलेगा। तो अभी इंक्वायरी काउंटर पर जाते हैं और पापा का वेट करना पड़ेगा। जब तक पापा आएंगे नहीं हम लोग स्टेशन अंदर जा नहीं सकते हैं। दोस्तों हमने इंक्वायरी काउंटर पे पूछ लिया है, ट्रेन की टाइमिंग तो वैसे 5 बजे है लेकिन वो थोड़ा लेट में खुलेगी। तो चलिए बहुत ही अच्छी खबर है कि ट्रेन थोड़ा लेट में खुले क्योंकि पापा गए हैं लाने सामान। जब तक सामान आएगा नहीं हम लोग जा नहीं सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे पापा का इंतज़ार कर रहे हैं। पापा आ रहे हैं और फाजिल इधर खेल रहा है। तो जब तक पापा आ रहे हैं हम लोग ट्रेन का टिकट ले लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये पैसेंजर ट्रेन है तो इसके लिए हमें पैसेंजर का टिकट लेना पड़ेगा। तो भाई के साथ जा रहे हैं टिकट लाने। तो चलिए मशीन से हम लोग टिकट निकालने की कोशिश करते हैं। ये मशीन तो लग रहा है चालू है। ये देखिए ATM मशीन है, इससे हम लोग जनरल ट्रेन का टिकट निकालेंगे। दोस्तों हम लोग टिकट ले लिए हैं और अभी हम लोग का ट्रेन भी अनाउंस हो गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ट्रेन हम लोग की आकर खड़ी हो गई है। पापा का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं पापा टाइम पे आते हैं या नहीं। अगर पापा टाइम पे नहीं आए तो हम लोग का ट्रेन छूट जाएगा और सिर्फ यही एक ट्रेन है जो हम लोग को उस स्टेशन पहुँचा सकता है। तो हम लोग को जाना है गया से झाझा, ठीक है, और वो पैसेंजर ट्रेन है, सिर्फ एक ट्रेन है जो वहाँ जाती है। दोस्तों तब तक हम लोग प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं और पापा का वेट करते हैं प्लेटफॉर्म पर हम लोग। तो अभी तक पापा नहीं आए हैं, देखते हैं पापा पहुंच पाते हैं या नहीं टाइम पे। ट्रेन तो अभी नहीं खुला है, ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पे ही लगी हुई है। तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे पापा का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए अब और अब हमारी ट्रेन आने वाली है, बस 5 मिनट में हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग जाएगी। दोस्तों देखिए फाइनली पापा आ गए हैं लेके, दौड़े दौड़े आ रहे हैं। दूसरा देखिए और हम लोग और हम लोग की ट्रेन भी आ गई है। देखिए चलिए 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 ट्रेन रुक गए। पापा को पहुंचते ही ट्रेन भी आ गई हमारी। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं हम लोग। दोस्तों पैसेंजर ट्रेन है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब हम लोग को सीट मिल पाएगा कि नहीं देखते हैं। पैसेंजर ट्रेन में कितना ज़्यादा भीड़ रहता है, हम लोग को ऐसे सफ़र करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। खैर हम लोग सब सीट पर बैठ गए हैं। खुलने का तो 5 बजे था लेकिन खुलता है ये 6 बजे खुलता है। फाजिल देखिए हमको खोजते खोजते इधर आ गया। फाजिल अरे तुम सो जाओ, सवेरे सवेरे उठ गया था, जाओ। दोस्तों हम लोग को लग रहा था ट्रेन बहुत जल्दी खुल जाएगा क्योंकि टाइमिंग इसका था 5 बजे और देखिए पापा यहाँ पहुँच गए तो ट्रेन अभी तक नहीं खुला है। क्या कहते हो पैसेंजर ट्रेन का? बहुत बुरा हाल है पैसेंजर का। बैलगाड़ी हो जाता है, गया खुलता है तो दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन खुल गई है। ये देखिए सब भाभी बैठी हुई है, ठीक है ना। अब रिजर्वेशन बोगी तो है नहीं। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन आ गई है नवादा स्टेशन और हमें जाना है JCD। तो JCD ये ट्रेन डायरेक्ट नहीं जाएगी, इसके लिए हमें ट्रेन को चेंज करना पड़ेगा। तो हम चेंज करेंगे क्यूल स्टेशन से ट्रेन को चेंज करेंगे JCD जाने के लिए। तो अभी सुबह का 8 बज रहा है और हम 2 घंटा सो लिए, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। तो अभी सुबह का 10 बज गया है और सबा और अम्मी नाश्ता कर लिए। तो चलिए अब हम भी नाश्ता कर लेते हैं। ये देखिए घर से लाए थे हम लोग पूड़ी बनाकर और ये देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। ये पैसेंजर का हाल है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों हम लोग क्यूल स्टेशन पहुँच गए हैं लेकिन अभी ये डिसाइड हम लोग ये किए हैं कि क्यूल स्टेशन नहीं उतरेंगे, हम लोग उतर रहे हैं झाझा, ठीक है, झाझा से फिर हम लोग JCD के लिए ट्रेन पकड़ेंगे।
तो यहाँ उतरने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ भी उतरने के बाद हम लोग को ट्रेन तुरंत मिल जाएगा। अभी हम लोग को यहाँ पे आसानी से सीट मिल गया, वहाँ पे हो सकता है दूसरे ट्रेन में ना मिले। और ऊपर देखिए भाई बैठे हुए, देखिए इधर भाई हैं और इधर भाभी है, सब बैठे हुए हैं। इधर आयरा है, और देखिए फाजिल क्या खा रहा है, क्या चीज़ खा रहा है फाजिल, देखो 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 देखो, अरे लिटिल हार्ट, लिटिल हार्ट, देखिए खोलने के लिए बोल रहा है, अरे खाना नहीं अभी। रियान इधर नींद में हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं झाझा स्टेशन, और यहाँ से हम लोग को अब जेसीडी के लिए ट्रेन चेंज करना होगा। तो दोस्तों हमारी ट्रेन आने में अभी 5 से 10 मिनट टाइम है, बिल्कुल सही टाइम में हम लोग पहुँचे हैं। तो चलिए ट्रेन का वेट करते हैं, बस ट्रेन आने वाली है। ये देखिए बहुत सारे पैसेंजर वेट कर रहे हैं ट्रेन का। तो दोस्तों देखिए फाइनली ट्रेन आ गई है। अल्लाह करम से हम लोग सही टाइम पे पहुँचे, बस हम लोग को 5 मिनट वेट करना पड़ा, 5 मिनट। तो दोस्तों फाइनली ट्रेन के अंदर आ गए हैं। ये देखिए ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए, और जहाँ पे हम लोग को जगह मिला है वहाँ पे खड़े हो गए हैं पापा भैया। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जेसीडी जंक्शन, और ये जंक्शन काफ़ी अच्छा है, पहली बार हम यहाँ आए हैं और सारे लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे मामा के घर। दोस्तों मामा से बात हो गया है, सबा का भाई आ रहा है लेने के लिए, ठीक है, तो अभी वेट करना पड़ेगा उनका। हम यहाँ पहली बार आए, हमको तो पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन जगह जाना है, ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं। दोस्तों दानिश आ गया है, स्टेशन के बाहर खड़ा है, हम लोग का इंतज़ार कर रहा है। तो चलिए चलते हैं बाहर, और मंजले भाई को हम लोग को स्टेशन पर ही छोड़कर जाना होगा। कितना बजे ट्रेन है तुम्हारा भाई का? ट्रेन 4:35 में है, जहाँ इन्हें जाना है वो ये जेसीडी से ही जाएंगे डुमका, ठीक है, 2-3 स्टेशन बाद है वो, तो भाई को स्टेशन पर छोड़ के ही हम लोग को जाना पड़ेगा, ठीक है, तो चलते हैं। चलिए रियान जा रहे हैं। दोस्तों देखिए सबा की नानी स्टेशन के अंदर में ही आ गई सबा से मिलने, और सबा इमोशनल हो गई है। और ये देखिए दानिश भी आ गया है, बाहर थे कि अंदर थे? बाहर अंदर सब कोई नहीं, बताइए और सब ठीक है? ए, अरे अरे हाँ ब्लॉग बन रहा है आपका पहली बार ब्लॉग में आ रहा है। कितना दूर है इधर से घर? यहीं पर है। दोस्तों फाइनली आ गए हैं हम लोग मामा के घर, तो चलिए अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए आमिर, कैसा आमिर? ठीक है। ये देखिए ये है मामा, ये हमारे मामा। तो चलिए नाश्ते का इंतज़ाम हुआ है, फाजिल सोच रहा क्या खाएं। ये देखो देखो संतरे, संतरे उठा रहा है, ट्रेन पे संतरा खाया फिर संतरा खा रहा है। ज्यादा संतरा नहीं खाओ, तुम ये खाओ ना, ये खाओ ना, बैठी मामा। और ये देखिए ये है एहसान, मेरा एक और साला अरे मेरे साला का कमी नहीं है, आई शर्माता बहुत ज्यादा है, बिल्कुल काजमी के जैसा। काय वे सुबह से हम खोज रहे, तुमको कहाँ था? लेकिन छिपा छिपा था, ये किसी खोज रहा नजर ही नहीं पड़ रहा है, कहाँ गया कहाँ गया, एहसान नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अभी खाना वाना हो गया है, और अभी शाम का 5 बज रहा है। यहाँ घर पहुँचते पहुँचते हम लोग को 2:30 बज गया था, और बहुत ज़्यादा थके हुए थे हम लोग, तो कुछ देर सो लिए। काफ़ी अच्छा घर बना हुआ है, मामा ने काफ़ी अच्छा घर बनाया है, हम आपको दिखाते हैं पूरा घर। दोस्तों चलिए अब हम आपको दिखाते हैं मामा का घर,
और ये देखिए बहुत ही अच्छा इधर का सीन है। और दानिश हमारे साथ है, ये बताएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये छत है, अभी फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है और बिल्कुल गांव वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके हमें। ये देखिए ये चारों तरफ का नज़ारा, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, अभी शाम का कितना बज रहा है, 5:30 बज रहा है ना। ये देखिए, और हम आपको नीचे भी जाकर दिखाएंगे। ये पहले, ये लगता है पहले का बना हुआ था ये वाला, ये मतलब सबसे पहले बना हुआ था, इधर नया बना है ये जो है ना, ये नया बना है। और वो मेन दरवाज़ा है, वहाँ से हम लोग अंदर आए थे। चलिए अब हम आपको नीचे दिखाते हैं, नीचे भी मामा ने बनाया है काफ़ी अच्छा। ये देखिए सब नया बनाया, अभी सब नया, सब इधर ही कुछ दिन पहले बना है, अभी और बन रहा है, काम प्रोसेस में लगा हुआ है। ये देखिए, ये है दानिश का रूम, दानिश का पर्सनल रूम। काफ़ी मेहनत किया है इस रूम को बनाने में, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, और सबा बैठी भी है, मन लग रहा है। अभी और भी इसमें काम बाकी है ना, बहुत काम बाकी है अभी। ये देखिए एक रूम ये है, अभी इसमें भी बहुत सारा काम बाकी है, पुट्टी वगैरह होगा। और ये देखिए तोड़ के इसको बनाया जा रहा है, यहाँ पे कुछ डेकोरेशन के लिए बनाया जाएगा। ये देखिए सब अभी काम में लगा हुआ है। दरवाज़ा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, दरवाज़ा हमको बहुत पसंद आया। इधर से खिड़की है, बाहर का नज़ारा ले सकते हैं। इधर मामी देखिए बर्तन धो रही है, बहुत मेहनत करती है मामी। और ये सिबरन, सिबरन से मिलाना था, हम भूल ही गए। ये मेरी एक बहुत ही प्यारी साली सिबरन पहली बार आई है कैमरे में, नहीं पहली बार, दूसरी बार वहाँ आई थी लगता है नानी के, नहीं 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 पहली बार आई है। और सिमरन कैसी हो? मेरे घर कब आओगी पहले ही बताओ तुम। फाजिल की शादी में 20 साल बाद। सिमरन के घर हम पहली बार आए हैं, लेकिन इसको हम बहुत दिन से बुला रहे, ये नहीं आती है। और मामी भी खाली सुनते रहती है, मामी भी नहीं आती है। आप भी आइए मामी, देखिए हम आ गए हैं, अब आपको आना फर्ज बनता है, ठीक है? एक बार आओ आएंगे, एक बार आएंगे ना शादी में। हाँ आएंगे, जरूर आएंगे। और ये देखिए और भी काम लगा हुआ है, देखिए एक रूम ये है, इसमें तो अभी देखिए वायरिंग वगैरह कर रहे हैं। ये देखिए वायरिंग अभी हो रहा है, कब आए। एक दरवाज़ा इधर से निकलते ही ये है देखिए पूरा घर। दोस्तों हमने आपको घर पे बताया था कि यहाँ आने का एक और कारण है जो हमने आपको नहीं बताया था। यहाँ आने का एक और कारण ये है कि कल यानी कि 25 नवंबर 2023 को हमारा सालगिरह आने वाला है, शादी का सालगिरह, ठीक है? तो इसलिए यहाँ आए हम लोग, और यहाँ हम लोग जैसे भी सालगिरह मनाएंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे। और सिबरन है, बहुत मज़ा आएगा, कल हम लोग पार्टी करेंगे, छोटा सा पार्टी रहेगा, मज़ा आएगा। तो इसीलिए यहाँ हम लोग आए हैं, और फर्स्ट टाइम हम आए थे तो यही दो कारण था, एक तो फर्स्ट टाइम यहाँ हम आ रहे थे, दूसरा कि हमारा एनिवर्सरी था शादी का। तो इस बार सिबरन के घर हम लोग सालगिरह मनाने वाले हैं, तो देखते हैं कल। तो अभी देखिए शाम का 6 बज गया है, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि सुबह से ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है। तो ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें,